आज हम जानेंगे IVF प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंत में कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमृता सिंह। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट वर्किंग विद प्रिस्टीन केयर दिल्ली। आज हम बात करेंगे IVF प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। IVF क्या होता है और हम उसे कब करते हैं? IVF तब करते हैं जब मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी बहुत ही सीवियर हो। बहुत ही सीवियर कहने का मतलब शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है, या फिर फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जैसे कि ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, एग्स तो हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, एग्स नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर हमारे पहले के ट्रीटमेंट्स लाइक छोटे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं IUI वगैरह फेल हो चुके हैं, फिर कपल को IVF की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली IVF को अगर हम कहें तो लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, पुराने ज़माने में यही कहा जाता था। IVF का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अब हम जानेंगे। जब भी हम IVF शुरू करते हैं, IVF का एक सर्टेन प्रिपरेटरी फेज़ होता है। ये प्रिपरेटरी फेज़ हम डिवोट करते हैं जब हम फीमेल एंड मेल के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उनके बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, मेल के इन्वेस्टिगेशन में स्पेसिफिकली हम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, हम सीमेन कल्चर करवाते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, बिकॉज इन्फेक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर आर IVF। इन्फेक्शन में हमारे IVF के और बेबीज़ की क्वालिटी कम हो जाती है। फीमेल पार्टनर में हमारे प्रिपरेटरी फेज के टेस्ट होते हैं, जनरल वेलबींग को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वजाइनल कल्चर्स और अदर टेस्ट होते हैं, और हम सप्लीमेंट्स देते हैं सो दैट कि नेक्स्ट साइकिल जब हम IVF के शुरू करें तो बॉडी एक ऑप्टिमल स्टेज में हो। अब हम जानेंगे IVF प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। IVF शुरू करने के लिए हमें सेकेंड डे से शुरू करना होता है। सेकेंड डे फीमेल आते हैं, उनका हम इन्वेस्टिगेशंस बेसिकली एक बेसलाइन एंट्रल फॉलिकुलर काउंट करते हैं, जो कि एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, एक TVS अल्ट्रासाउंड होता है। बेसलाइन स्कैन में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं वो ये होता है, उसमें कितने एग्स हैं, लाइनिंग कैसी है, और कोई अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम तो नहीं है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ आपके एग्स कम हैं तो वही सारे एग्स, वही कोहोर्ट आपका बढ़ेगा। अगर 10 हैं तो 10 बढ़ेंगे, 5 हैं तो 5 बढ़ेंगे, 20 हैं तो 20 बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम IVF में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एग्स कहीं से डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, जितने छोटे एग्स, जितने एंट्रल फॉलिकल हैं, हम उन सबों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड डे से आपके इंजेक्शन्स शुरू होते हैं। इंजेक्शन्स यूजुअली पेट में लगते हैं, इंजेक्शन्स में दर्द नहीं होता। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि IVF के इंजेक्शन्स बहुत पेनफुल होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IVF के इंजेक्शन्स जनरली पेशेंट खुद भी लगा लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी सिरिंज होती है और इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगेन हम लोग अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को 5th और 6th डे बुलाते हैं। 5th और 6th डे अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कितने बड़े फॉलिकल्स हो गए, उसकी ग्रोथ कैसी है, हमारी डोजिंग अप्रोप्रिएट थी या नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साइज़ के अकॉर्डिंग हमें एंटागोनिस्ट इंजेक्शन यानी एक दूसरे तरह का इंजेक्शन भी ऐड करना होता है। ये इंजेक्शंस यूजुअली 7 से 10 दिन के चलते हैं। इस बीच हम अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करते हैं, या तो अल्टरनेट डे पेशेंट को आना होता है या फिर डेली मॉनिटरिंग होती है। ये जो IVF इनफर्टिलिटी के लिए हम इंजेक्शंस लगाते हैं, यूजुअली 7 to 10 days के इंजेक्शंस के बाद, ओवेरियन स्टिमुलेशन के बाद, एग्स एक अप्रोप्रिएट साइज़ में आ जाते हैं, और हम एक पर्टिकुलर एग साइज़ के बाद 18 mm का हमारा साइज़ होता है, उसके बाद हम ट्रिगर इंजेक्शन प्लान करते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन ओवेरियन मैच्योरेशन के लिए, एग्स के मैच्योरेशन के लिए हम देते हैं, और ये ट्रिगर इंजेक्शन के साथ साथ हमारा टाइम मैच करता है कब हमें एग पिकअप करना है। स्पेसिफिकली 34 to 36 hours आफ्टर ट्रिगर इंजेक्शन, ये 2 घंटे का ही समय होता है जब हमें एग्स निकालने होते हैं। एग पिकअप का जो प्रोसीजर होता है, ये एक सिंगल टाइम प्रोसीजर है जब आपको पूरे IVF साइकिल में बेहोशी लगती है। अब एग्स एंड सीमेन दोनों सैंपल हमारे लैब में हैं, और अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से करते हैं, एक कन्वेंशनल IVF मेथड होता है एंड दूसरा ICSI होती है। ICSI एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जहाँ पे हम सिंगल एग को लेकर के उसमें स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। इन दोनों तरीकों के बाद में अब हमारे एम्ब्रियोज बढ़ना शुरू होंगे, एंड उनको टाइम टू टाइम हम मॉनिटर करेंगे, उसमें कौन से वाले एम्ब्रियोज अच्छे बन रहे हैं, कौन अरेस्ट हो रहे हैं। यूजुअली अरेस्टेड एम्ब्रियोज हम नहीं लेके आगे जाते,
और जो अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं उनको हम डे 5 और डे 3 तक आगे लेके जाते हैं। इसके बाद अब हमारे पास बेबीज़ प्रिपेयर हो गए हैं। बेबीज़ के एज के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र दो टाइप से की जाती है, वन इज़ फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड सेकेंड इज़ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वो होता है जहाँ पे जब आपके पिकअप साइकिल हुए, जब आपका ओवम पिकअप हुआ, उसी से थर्ड या फिफ्थ डे हम एम्ब्रियोज यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, एम्ब्रियोज यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इसके लिए हम कुछ हार्मोनल टेस्ट करते हैं ट्रिगर वाले दिन, या फिर हम एंडोमेट्रियल की लाइनिंग देखते हैं। अगर वो प्रॉपर होती है तो ही ये ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। कुछ केसेस में स्पेसिफिकली हम जैसे ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का डर होता है, उस केसेस में स्पेसिफिक फ्रोजन ट्रांसफ़र होता है, या फिर फर्स्ट IVF फेल हो गया तो नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो होगा वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। बिकॉज ये डे 3 के स्टेज पे यूजुअली एम्ब्रियोस फ्रीज हो जाते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर यूज़। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक नई साइकिल है जहाँ पे सेकेंड या थर्ड डे आप पेशेंट आते हैं, उनका स्कैन शुरू होता है, उनकी लाइनिंग देखने के लिए टैबलेट्स चलते हैं, यूजुअली 10-12 डेज़ के सिर्फ टैबलेट्स चलते हैं एंड फिर इंजेक्शंस ऐड होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली हम डे 3 क्लीवेज स्टेज या फिर डे 5 ब्लास्ट स्टेज का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के यूट्रस में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस बिल्कुल ही पेनलेस होता है और इसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशेंट बिल्कुल आराम से लेटते हैं और अल्ट्रासाउंड मशीन पे देखते रहते हैं कि बेबीज़ और एम्ब्रियोज उसके यूट्रस में डाला जा रहा है। इट इज़ एब्सोल्युटली पेन फ्री प्रोसेस। इसके बाद हम इंजेक्शंस या फिर वजाइनल टैबलेट्स प्रोजेस्टेरोन के सपोर्ट्स देते हैं। ये सपोर्ट यूजुअली 12-14 डेज का चलेगा और फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है कि प्रेगनेंसी आई है, नहीं आई है, आपके घर खुशियां आई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड आप अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। Book your appointment on pristinecare.com. Pristine Care.